हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, दो टॉपिक अपन कर चुके हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। आज का अपना टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि परिसंचरण क्या होता है। ठीक है, देखो परिसंचरण की अगर परिभाषा देखें अपन, सर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह सर्कुलेशन या परिसंचरण कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर होगा? किसी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? परिसंचरण होता है। ओके, चक्रीय का मतलब साइक्लिक, यानी पूरे शरीर में अपन बोल सकते हैं कि जहां से शुरू हो रहा था रक्त या कोई भी तरल पदार्थ, वहां पूरे चारों तरफ घूम के वापस वहीं आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइक्लिक या फिर चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? परिसंचरण होता है, यानी जहां से वो तरल शुरू हुआ था घूम घाम के वहीं आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रवाह। अगर मैं रक्त की बात कर रहा हूं, रक्त परिसंचरण, तो इसका मतलब क्या होगा? खुद दिमाग लगा सकते हैं अपन कि रक्त का चक्रीय प्रवाह, रक्त का चक्रीय प्रवाह, इसको क्या बोलेंगे अपन? रक्त परिसंचरण। ठीक है बच्चों, अगर आगे इसके संगठन की बात करें कि जो परिसंचरण तंत्र है या रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण, तो बच्चों इसका संगठन, संगठन यानी इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, तो उसमें देखो पहली चीज तो है इसमें रुधिर। पहला तो अपन क्या करेंगे? रुधिर, ब्लड। ठीक है, और दूसरा इसमें अपन करने वाले हैं हृदय। ठीक है, हार्ट। और थर्ड अपन करने वाले हैं इसमें रुधिर वाहिनिया। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से जो है परिसंचरण को अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परिसंचरण की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको बच्चों, किसी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह परिसंचरण कहलाता है। जहां से शुरू हुआ तरल वहीं घूम के वापस आ जाना, तो उसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। रक्त परिसंचरण का मतलब रक्त का चक्रीय प्रवाह होगा, रक्त जहां से चल रहा है वहीं घूम के पूरे शरीर में वापस वहीं आ जाना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण का संगठन यानी इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, तो देखो पहला तो अपन रुधिर पढ़ने वाले हैं, ब्लड रक्त पढ़ने वाले हैं, इसका क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या क्या संगठन होता है वो भी पढ़ने वाले हैं, हृदय क्या है और रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी होती है, तो रुधिर वाहिनियां भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपन टॉपिक करेंगे रुधिर, इसका फर्स्ट जो है वो क्या करेंगे अपन? रुधिर, रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है। देखो अगर रक्त की अपन बात करें, पहला टॉपिक रुधिर या रक्त एक ही बात है, तो इसमें तीन चार पॉइंट पहले तो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी तक है। ठीक है, उत्तक का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। तो यहां पे क्या हो गया कि रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मतलब ये विभिन्न अंगों को जो है जोड़ता है, पूरे शरीर के अंगों को जोड़ता है या फिर पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? अस्थि मज्जा, बोन मेरो जिसको बोलते हैं, बोन मेरो। ठीक है, हड्डियों में ये भरा होता है बोन मेरो। तो
तो उसमें से क्या निर्माण, किसका निर्माण होता है, रक्त का में होता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी पीएच जो होती है, इसकी पीएच कितना होता है, इसकी पीएच होती है 7.4 होती है, यानी 7.4 का मतलब हो गया हल्का क्षारीय। क्या होता है बच्चों, हल्का क्षारीय। फिर वही बात आ जाती है कि पीएच, पीएच अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे है तो उसका मतलब वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, और 7 पे होगा तो वो उदासीन होगा। तो 7 से हल्का सा ऊपर है तो हल्का क्षारीय। ठीक है, अब अपन बोल देंगे फोर्थ पॉइंट कि रक्त जो है ये शरीर में, इसकी मात्रा कितनी होती है शरीर में, शरीर में इसकी मात्रा, शरीर में इसकी मात्रा लगभग 5 लीटर होती है, 5 लीटर होती है। वयस्क की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। वयस्क इंसान जो होता है उसमें 5 लीटर होता है, बच्चों में तो कम होगा। तो शरीर में इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 5 लीटर होती है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। एक पॉइंट और याद रखे ना कि रुधिर का अध्ययन जो है, यानी रुधिर किस किस ब्रांच में, साइंस की किस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है इसका, तो रुधिर का अध्ययन किया जाता है, रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ठीक है भाई, लॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन क्या होगा, हीमेटोलॉजी। इतना याद रख लोगे आप। तो रुधिर का पहला पॉइंट क्या है बच्चों, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, और इसका पीएच कितना होता है, 7.4 का मतलब हो गया हल्का क्षारीय। इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है। शरीर में ही कितना पाया जाता है, वयस्क इंसान के शरीर में लगभग कितना होता है, 5 लीटर। और रुधिर का अध्ययन अपन क्या बोलेंगे उसको, हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी। तो फिर अगर इसकी बात करें अपन, तो इसका संगठन देखो क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है रुधिर में। तो देखो रुधिर का संगठन, तो रुधिर में दो चीजें होती है। फर्स्ट तो ये है कि एक तो क्या होता है इसमें, प्लाज्मा या रुधिर प्लाज्मा, ठीक है, और एक क्या होता है इसमें, सेकंड जो चीज होती है वो होती है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं या ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं, और प्लाज्मा। इतना क्लियर है। रुधिर को अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि प्लाज्मा होता है एक तो इसमें, और क्या होती है, रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है बच्चों, अब प्लाज्मा की बात करें अपन, तो प्लाज्मा जो है वो रुधिर का 55% 55% होता है, यानी जितना भी रुधिर है उसका 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो 45% क्या हो गया बच्चों, ठीक है, नहीं है कि अगर प्लाज्मा 100% होता है कोई भी चीज, तो प्लाज्मा जो है अगर वो 55% कवर कर रहा है तो रुधिर कणिकाएं कितनी आएंगी, 45%। ठीक है, पहली चीज। फिर इसमें ध्यान रखना कि 55% में, 55% में से 92% तो इसमें क्या होता है, जैसे 55% का अपन मान रहे हैं तो 92% तो इसमें क्या होता है, जल। ठीक है, इसमें भी 92% तो क्या होता है, ज्यादातर भाग जो है वो क्या होता है, जल होता है, और 8% भाग जो है वो क्या होता है, कार्बनिक व कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है भाई, अकार्बनिक पदार्थ, इतना क्लियर होगा, नहीं क्लियर लिख देता हूं। कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, फिर आ जाएगा जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन हो जाते हैं बहुत सारे, ये सारे क्या हैं, कार्बनिक पदार्थ बच्चों। इतना क्लियर है नहीं कि प्लाज्मा जो होता है उसमें 92% क्या होता है, जल, और 8% क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ये सारे क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अगर अकार्बनिक पदार्थों की बात करें
अकार्बनिक पदार्थों में जैसे कि कैल्शियम यानी खनिज लवण जो है सारे पाए जाते हैं इसमें, खनिज। और खनिज अपन ने पढ़े हैं, देखो खनिज कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जैसे कैल्शियम 2+, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा इसमें क्लोरीन माइनस, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, मैग्नीशियम 2+, तो ये सारे क्या होते हैं इसमें, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है बच्चों, रुधिर का संगठन क्या होगा, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% होता है रुधिर का, और प्लाज्मा का 92% यानी ज्यादातर भाग क्या होता है, जल, और इसका 8% क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन आ जाएंगे, और अकार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और जल, ये सारा किसका संगठन है, प्लाज्मा का। अगर रुधिर कणिकाओं की बात करूं तो रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है भाई, एक तो है आरबीसी है जिसको अपन बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, द आरबीसी, इनको क्या बोलते हैं, आरबीसी। फिर है एक श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, WBC। और एक कौन सी होती है भाई, बिंबाणु, या इनको अपन बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इतना याद रख लो आप लोग, ठीक है। तो रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इतना क्लियर है नहीं है। रुधिर का संगठन प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 55% यानी रुधिर का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा भी में 92% तो जल पाया जाता है, 8% क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में जैसे ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, और अकार्बनिक पदार्थों में खनिज आ जाते हैं, और खनिज कौन कौन से, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इस तरीके के जो है इसमें क्या आ जाते हैं, खनिज लवण। रुधिर कणिकाएं जो है 45% कवर करती है रुधिर का, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत और प्लेटलेट्स, ये इसके भाग होते हैं। तो इतना क्लियर है अपना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है, और टेबल में इस तरीके से मैंने आपको लाल रुधिर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इस तरीके से लिखना है। फिर आप एक एक डिस्कस करोगे इसमें कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इनका निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है बच्चों, अस्थि मज्जा में, ठीक है। नहीं है, इनका भी कहाँ होता है बच्चों, अस्थि मज्जा में, और इनका भी कहाँ होता है बच्चों, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, ठीक है। सभी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में। अगर दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो संख्या, कि रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप देखोगे कि आरबीसी जो होती है उसकी संख्या होती है 4.5 to 6 मिलियन 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 प्रति प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। अगर इसकी बात करूं मैं तो इनकी संख्या होती है लगभग 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर क्यूब। प्रति घन मिलीमीटर का मतलब हो गया कि मिलीमीटर क्यूब में, यानी इतने से रक्त में क्या होती है, इतनी संख्या होती है इनकी। फिर अगर मैं बात करूं कि प्लेटलेट्स कितनी होती है, तो प्लेटलेट्स जो है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, और वो भी कितनी, प्रति घन मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। मैथ में ये तो लिखते हो आप, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो आप देखो कि प्लेटलेट, सॉरी, अपन जो रक्त कणिकाएं पढ़ रहे हैं उनमें इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। फिर पहला पॉइंट लिखना है आपको कि इनका निर्माण क्या होता है, तीनों का निर्माण क्या होता है अस्थि मज्जा में, संख्या कितनी होती है रुधिर में, इनकी संख्या कितनी होती है, और किस अकॉर्डिंग ले रहे हैं अपन, घन मिलीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, प्रति घन मिलीमीटर क्यूब, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसकी संख्या कितनी कितनी हो गई, आरबीसी होती है 4.5 to 6 मिलियन, और ये होती है 4000 से 11000, और ये होती है कितनी, 1.5 लाख to 4.5 लाख, ठीक है, इतना क्लियर है आपका। फिर अगला पॉइंट अपन देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसमें कि
इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, ठीक है, लाइफ लाइफ टाइम जो लाइफ स्पान बोलते हैं अपन उसको, वो कितना हो? जीवन, इनका जीवन काल होता है 120 दिन, इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन, ठीक है, और इनका होता है 10 दिन, इस तरीके से। यानी ये जो है 120 दिन तक रहती हैं, फिर उसके बाद में ये मर जाती हैं और दोबारा नहीं बनती रहती है, अस्थि मज्जा में नहीं बनती रहती है। इनका 3 से 5 दिन होता है, इनका 10 दिन होता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट जो है वो आपको लिखना है कि इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य जो है वो क्या होगा। तो इनका कार्य देखो, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करती है। फिर अगर अपन बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है, ये करती है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित विकास करती है, ठीक है। और इनका आपको पता है कि विम्बाणु या प्लेटलेट्स वो क्या काम करती हैं, ये रक्त का थक्का जमाती है, रक्त का थक्का जमाती है, और वो भी कहां पे, चोट लगने वाले स्थान पर, चोट लगने पर, ठीक है। नहीं है, अगर चोट लग गई है और जो है रक्त बहता जा रहा है तो प्लेटलेट्स क्या करती है, उसका थक्का जमाती है, और ये क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी शरीर को जो है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता या रोगाणुओं से लड़ने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी, और ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि इनमें केंद्रक कोशिकाएं हैं, तो केंद्रक तो होगा या नहीं होगा, देखो केंद्रक, तो यहां जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित। इनमें जो है केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित, और इनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित। इतना याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इनका क्लियरली जो है टेबल बनाओगे, इनके क्या क्या कार्य हैं, कहाँ बनती है, संख्या कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है, इनका कार्य क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताना है। इतना क्लियर है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की एक टेबल बना लेना है। अब जब भी अगर आपको मान लो आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि आरबीसी के 5 पॉइंट लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इनकी संख्या इतनी होती है, जीवन काल इतना होता है, कार्य ये होता है, तो आपको सारा डिटेल में लिखना है, कर लोगे इतना। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये आरबीसी जो है इनको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, क्या बोला जाता है बच्चों, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी जो है उनका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को एक और नाम बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, क्या बोला जाता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। इतना क्लियर है, देखो डब्ल्यूबीसी जो है उसको अपन इस तरीके से डिवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु जिसको बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार की होती है, एक तो कणिकाणु, एक तो कणिकाणु और एक अकणिकाणु, ठीक है बच्चों, कणिकाणु और अकणिकाणु, इसको भी अपन आगे 3 भागों में बांटते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है, और अकणिकाणु जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं अपन एसिडोफिल्स, पहली जो है वो क्या हो जाएगी, एसिडोफिल, या इसको अपन बोलते हैं इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इतना याद रख लोगे, ये फर्स्ट ए, बी कौन सी हो जाएगी, देखो ये हो जाती हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल, ठीक है, नहीं है, और थर्ड इसमें आ जाती है न्यूट्रोफिल, सी न्यूट्रो फिल, बुक में दे रखा है अच्छे से इनके बारे में। तो देखो एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, अगर इसकी बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं,
तो फर्स्ट पर इसमें आ जाता है कौन सा, मोनोसाइट, मोनोसाइट, और एक होती है लिम्फोसाइट। क्या होती है बच्चों? लिम्फोसाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप होते हैं, पूछ लिया जाता है एक नंबर में क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। मोनोसाइट्स के कार्य भी मैं दिखवा रहा हूँ, कार्य पूछ लिए जाते हैं इनके। तो देखो, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, कणिकाओं के 3 भाग है, कणिकाओं को 2 भागों में बांटते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर इसके कार्य की मैं बात करूं तो एसिडोफिल जो है वो एलर्जी से रक्षा करती है, एलर्जी, एलर्जी से रक्षा, यानी एलर्जी जो हो जाती है तो उससे रक्षा कौन करती है? एसिडोफिल्स। बेसोफिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि ये जो है सबसे कम पाई जाती है, सबसे या न्यूनतम डब्ल्यूबीसी होती है, न्यूनतम डब्ल्यूबीसी, यानी रुधिर में जो है सबसे कम संख्या कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? बेसोफिल्स। और सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे या अधिकतम, सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, यानी ये डब्ल्यूबीसी जो है न्यूट्रोफिल वो रुधिर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, और ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, इतना याद रखोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो इनके कार्य क्या है, इसका तो बता दिया कि एनर्जी से रक्षा करती है ये। अगर बेसोफिल की मैं बात करूं तो ये 2 पदार्थ होते हैं हमारे रुधिर में, हिपेरिन, हिपेरिन वह हिस्टामिन का निर्माण करती है, हिस्टामिन, हिस्टामिन का निर्माण, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख लेना बहुत ज्यादा। हिपेरिन और हिस्टामिन दोनों क्या कार्य करते हैं? हिपेरिन तो करता है कि शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने नहीं देता है। ये हिपेरिन का क्या कार्य होता है बच्चों? ये रुधिर के अंदर या शरीर के अंदर जो है रुधिर को जमने नहीं देगा, ठीक है। और हिस्टामिन जो है वो क्या कार्य करता है? ये जो धमनियां होती है उनकी दीवारों को फैलाता है या उनका प्रसार करता है, जिससे रुधिर आसानी से आगे गति कर सके। इतना क्लियर है? बेसोफिल किसका निर्माण करती है? हिपेरिन, और हिस्टामिन का निर्माण करती है। हिपेरिन क्या करता है कि ये शरीर के अंदर जो है रुधिर को जमने नहीं देता है, प्रतिस्पंदक होता है, ठीक है, इतना याद रख लोगे आप। एंटी क्लोटिंग जिसको बोलते हैं, यानी ये शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देगा। हिस्टामिन क्या करता है कि ये धमनियों की दीवारों को फैलाता है, जिससे रुधिर आसानी से आगे गति कर सके। अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये होती है भक्षण कोशिकाएं, ये क्या करती है? रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं, रोगाणुओं का भक्षण, या उनका जो है उनको मारने का कार्य कौन करती है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों मिलके। और डब्ल्यूबीसी, ये सॉरी, लास्ट में लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है बच्चों, एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा इस तरीके से करती है। तो देखो, सबसे पहला अगर जैसे मान लो बाहर से कोई प्रतिजन आ रहा है, बाहर से कोई भी प्रतिजन आ रहा है, यानी कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया जो भी है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो ये क्या करती है? सबसे पहले कौन सी डब्ल्यूबीसी काम में आती है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये दोनों क्या करती है कि ये जो है उसको आते ही उस पर अटैक करती है, यानी उसको मारने का कार्य कौन करती है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इतना क्लियर है। फिर लिम्फोसाइट जो है वो क्या बना देती है? एंटीबॉडीज बना देती है। तो इस तरीके से ये रोगाणुओं से रक्षा करती है। बेसोफिल का कार्य अलग होता है, ये क्या करती है? हिपेरिन और हिस्टामिन का निर्माण करती है। हिपेरिन क्या कार्य करता है कि ये शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देगा, इसको एंटी क्लोटिंग भी बोलते हैं, प्रतिस्कंदक बोलते हैं, ठीक है। और हिस्टामिन क्या करता है कि ये धमनियों की दीवारों को फैलाने का कार्य करता है, जिससे रुधिर आसानी से आगे गति कर सके। और एलर्जी से रक्षा कौन सी करती है? एसिडोफिल। इतना क्लियर है? ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये पूछ लिया कि सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है रुधिर में, तो आप बोलोगे बेसोफिल।
सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। इतना क्लियर है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लगाना, और इसको नोट्स में फटाफट से लिख लेना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो देखो, अगला जो अपना पॉइंट है वो है रुधिर के कार्य। तो रुधिर के कार्य आपको याद होने चाहिए, रुधिर के कार्य। तो देखो, रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड, किस तरीके से कार्य करता है रुधिर हमारे शरीर में। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ये रुधिर जो है, रुधिर पोषक पदार्थों का शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक परिवहन करना है, शरीर के विभिन्न भागों तक इनका परिवहन करता है। रुधिर पौष्टिक पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं तक परिवहन करता है, कोशिकाओं परिवहन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? परिवहन करता है, ठीक है, इतना लिख लिया करो आप लोग खुद। अब देखो, रुधिर क्या काम करता है? रुधिर जो है, रुधिर शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है बच्चों। लोग फिर देखो, रुधिर क्या करता है? रुधिर शरीर का पीएच नियंत्रित करता है, पीएच नियंत्रित करता है, करता है। क्लियर है इतना? फिर अगर बात करें अपन रुधिर, तो रुधिर एक और कार्य करता है, ये ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन भी करता है, ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, ठीक है। नहीं है, ये इतने कार्य किसके हो जाते हैं? रुधिर के। आपको याद रखना है कि रुधिर क्या करता है? पोषक पदार्थों का शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक या शरीर के विभिन्न भागों तक जो है परिवहन करता है। रुधिर शरीर का ताप नियंत्रित करता है, रुधिर शरीर का क्या करता है? पीएच को नियंत्रित करता है, और O2 और CO2 का परिवहन करता है। इतना क्लियर है आप? तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं, WBC के टाइप्स पढ़े अपन ने। अब अपना जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उसका डायग्राम किस तरीके से होगा? तो परिसंचरण तंत्र जो होता है हमारे शरीर का, वो इस तरीके से होता है। तो देखो किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है कि शरीर से जो है अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर कौन लेके आते हैं? सिराएं। अब देखो, अशुद्ध रुधिर का मतलब होता है कि इसमें CO2 मिली हुई है, जो कोशिकाओं में CO2 बन रही है। कल अपने श्वसन तंत्र में किया था कि शरीर में ऑक्सीजन जाती है कोशिकाओं में और CO2 बनती है, उसको रुधिर वापस लेके आ रहा है। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र है। यहां से अशुद्ध रुधिर को सिराएं जो है वो कहां तक लेके आ रही है? हृदय के दाएं आलिंद में। कहां लेके आ रही है? दाएं आलिंद में। हृदय की क्रियाविधि में कल पढ़ाऊंगा, अभी केवल इतना समझ लो कि अशुद्ध रुधिर या CO2 वाला जो रुधिर है वो कहाँ आ रहा है। देखो बच्चों, कहाँ आ रहा है? कि जो हृदय का दाया आलिंद है वहां आ रहा है, फिर दाएं नीले में आ रहा है यहां से, और दाएं नीले से फिर जो है ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है। इतना क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं कि अपने को एक चीज पहले समझ लो कि सिरा क्या करती है। सिराएं हमेशा अशुद्ध रुधिर कैरी करती है, हमेशा अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, और धमनी जो है ना वो क्या कार्य करती है? हमेशा शुद्ध रुधिर को लेके जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पे क्या काम कर रही है? उल्टा ये धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी जो है वो उल्टा काम करती है, अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, और फुफ्फुसीय सिरा उल्टा काम करती है, ये शुद्ध रुधिर लेके जाती है, ठीक है। सिराएं जो हमेशा क्या करती हैं? अशुद्ध रुधिर लेके जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फुफ्फुसीय सिरा है वो उल्टा काम कर रही है, शुद्ध रुधिर लेके जा रही है। धमनी हमेशा क्या काम करती है? शुद्ध रुधिर को कैरी करती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को कैरी करती है। इतना क्लियर है? अब देखो, यहां से CO2 वाला जो रुधिर है उसको सिरा जो है वो कहां लेके आती है? हृदय के दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर यहां आ जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व होता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा पूरा इसको डिटेल में, हृदय को
तो यहां से जो है नीले में आ जाता है, दाई नीले में, और नीले से जो है ये कहां जाता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में। तो फेफड़ों में जाके क्या होता है कि CO2 को तो जो है बाहर छोड़ दिया जाता है, और रुधिर में जो है ऑक्सीजन देखो मिला रहे हैं अपन यहाँ पे, इस तरीके से डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि CO2 को तो बाहर छोड़ा जा रहा है फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर छोड़ा जा रहा है, और फेफड़े क्या कर रहे हैं, जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन मिला रहे हैं, यानी यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है किसका, रुधिर का, यानी रक्त यहाँ पे जाके क्या होता है, शुद्ध होता है, इसका मतलब CO2 बाहर छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन रुधिर में मिलाई जाती है। फिर यहाँ से शुद्ध रुधिर देखो कहाँ आ रहा है, फुफ्फुसीय सिरा जो है वो शुद्ध रुधिर लेके आती है कहाँ पे, वापस हृदय में, और हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद में, हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग क्या होते हैं, आलिंद, ठीक है, और नीचे वाले भाग क्या होते हैं, निलय, ऊपर वाले भाग आलिंद जिनको एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले भाग जो होते हैं वो निले जिनको अपन वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ यहाँ तक हो गया, यहाँ से शुद्ध रुधिर आता है फुफ्फुसी सिरा द्वारा कहाँ पे, हृदय के बाएं यानी लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर बाएं निले में, और निले से देखो धमनी द्वारा कहाँ जा रहा है, वापस शरीर में। तो ये पूरा कार्य किसका है, ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। इस तरीके से क्लियर होगा आपका, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। यहां से अशुद्ध रुधिर जो है सिरा के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से जो है फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में, फेफड़े क्या कार्य करते हैं, रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि CO2 तो बाहर छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन रुधिर में मिला दी जाती है, फिर यहां से ऑक्सीजन को लेकर रुधिर जो है वो कहाँ जाता है, हृदय के बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से कहाँ जाता है, बाएं नीले में, और नीले से फिर धमनी द्वारा जो है वापस शरीर में। तो ये क्या चल रहा है, एक बंद परिसंचरण तंत्र है, यानी जहां से रुधिर जो है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं जहां से शुरू हुआ वहीं घूम काम के वापस आ गया। या अपन यहां से शुरू करते हैं हृदय से, तो हृदय से देखो कैसे शुरू करोगे, धमनी द्वारा शरीर में, और शरीर से वापस हृदय में। तो ये क्या है, एक पूरा बंद परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर का, ठीक है। तो इस तरीके से यानी रुधिर जहां से चल रहा था वहीं वापस आ गया, तो इसको अपन परिसंचरण, चक्रीय प्रवाह हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, परिसंचरण। और कैसा परिसंचरण है, बंद परिसंचरण है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। तो ये था परिसंचरण तंत्र, कल अपन पढ़ेंगे इसका एक टॉपिक रह गया हृदय और हृदय की क्रियाविधि, ओके। तो कल अपन उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एक टॉपिक रह रहा है, और तो कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।